वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। साडे बाणी नितनेम विच हर एक बाणी नू एक खास समय की एनर्जी रजा नाल जोड़िया जांदा है। ये आपां नू होर किसे नू दसन दा हक नहीं ते ताकत नहीं भी की गलत है ते की सही। ये आपां नू खुद ही पहचान होनी चाहीदी। इहदे विच की है कि महत्वपूर्ण गल तां इह है कि तुहाडे दिल विच की है, किसी होर दी राय या निर्णय नहीं होना चाहिए। हर एक बाणी एक विशेष तत् की रजा रखती है, जिमें इथर ब्रह्मांड वायुमंडल जपजी साहब की बाणी और शब्द हजारे ये की है आप अमृत वेले करने ने। यह क्यों करते हैं कि अपनी जो कुदरती धरती की अपनी एनर्जी है ना, अपनी ताकत है, उन्हों वायुमंडल की ताकत के नाल संतुलित करके रखता है। हवा जाप साहब और सवैये ये आपां नूं अमृत वेले करने चाहिए ने। ये अपने मन नूं आनंद अते शक्ति नाल जोड़दे ने। फिर गल आउंदी है अग दी, आनंद साहब दी बाणी, ये अमृत वेले पढ़नी चाहिए है। ये आपां नूं ताकत अते शक्ति नाल इन्ना ज़्यादा भरपूर कर देंदी है कि कोई दुख रोग सोग अपने नेड़े भी नहीं आ सकता। फिर है पाणी रहरा साहिब अते चौपाई साहब, ये की होंगे आप शाम नूं बाणी पढ़नी चाहिए है। दिन का जो नूर हुंदा अते रात की वह चाननी उन्हों बखूबी एक दूजे नाल मेल करवाउंदा, जिस दे नाल मनुख दे शरीर दे विच जो शांति जो सुकून चाहिए वह इस बाणी दे नाल आउंदा है। धरती उस समय कीर्तन सोहले का पाठ करो। ये की है जो आप सोन समय कीर्तन सोहले का पाठ करते हैं तो जो भी धरती के आप कि सारे काम क्रोध लोभ मोह जो अपने अंदर भरया होंगे ना, उस तो दूर करके वह पाठ अपनी रक्षा करता है हर एक चीज़ तो। इसलिए अपने दिन के वहा समझो, आप किवें जिंदगी जीने उन्होंने समझो, आपू कि एनर्जी चाहिए है और जिंदगी किमें जीना है ये आपको गुरबाणी तो ही पता लगना। तो ये पांच चीज़ा अपने अंदर यहोजी एनर्जी भर देंदे ने कि आप फिर काम क्रोध लोभ मोह दुख इन सब तो दूर होकर सिर्फ सुख ही सुख मानते हैं। फिर आओ किस बाणी तो आपको किमें ताकत मिलती है इस चीज़ को समझिए।